गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर सबको आवाज आ रही है सारे बच्चों को? गुड गुड। चलिए अभी मैं आपका रीनेमिंग बंद कर देता हूँ, क्योंकि तो रीनेमिंग से बड़ी समस्याएं लगती है बाद में ना। चलिए, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? वर्कर्स व्हाट इज वर्कर्स? वर्थ वर्कर्स वर्थ वर्थ। गुड, तो वहां तक पढ़ गए थे सारे सर बच्चे? हाँ सर बताइए सर, क्या क्या पढ़े थे आप यस लोग सर कल? सर वर्कर्स मतलब सर जो कंपनी थी सर वर्कर्स की वर्थ नहीं समझती थी, मतलब सर उन लोगों से सोचती थी कि सर ये कुछ है ही नहीं, खत्म हो जाने तो गरीब है सर, मतलब कम पैसे में सर ज्यादा काम कराते थे, यस वो यहाँ अहमियत ही नहीं समझते थे सर। यस यस गुड। तो कल हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे इंडिया में जो यूनियन कार्बाइड का प्लांट लगाया था भोपाल में, जिसमें इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिलीज हुआ, जो इसने पूरे एटमॉस्फेयर में फैली, इतना बड़ा नुकसान इसने पहुंचाया। तो वो क्यों यहाँ पे उसने अपना प्लांट लगाया था, जबकि इसके प्लांट बाकी देशों में तो चल ही रहे थे, और यहाँ पे उसने अपना सबसे बड़ा प्लांट लगाया, उसके पीछे क्या रीजंस थे? तो उसमें हमने जब रीजंस देखे तो कई सारे रीजंस हमें समझ में आए, जिसमें से पहला रीजन था कि हमारे यहाँ के वर्कर बहुत कम वेजेस में काम करना चाहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा थी और पावर्टी भी उतनी ही थी। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी बच्चों, उतनी ही पावर्टी भी उसी स्केल में बढ़ती चली जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ, तो हमारे यहाँ दो चार चीजें हमें बहुत देखने को मिली कि नंबर वन, पावर्टी बहुत ज्यादा थी। दूसरी चीज, जो वर्कर्स थे वो उतने ही सैलरी में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा देर तक काम करते थे, तो इससे भी कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता था कि वहां पे फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप्ड नेशंस में, वहां पे जो वर्कर्स थे वो एक फिक्स टाइम के लिए काम करते थे, कि इतने दिन से इतने घंटे, इतने घंटे से इतने मिनट से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं काम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के वर्कर्स जो थे वो ज्यादा अपना काम करते थे, उतने ही पैसे में, उससे कम पैसों में इवन, और ये हमारे यहाँ 10 10 घंटे, 12 12 घंटे काम करते थे। समझ में आया बच्चों? तो दूसरा प्रॉफिट कंपनी को यहाँ से हो रहा था कि उनको वेजेस तो बहुत कम देने पड़ रहे थे और काम बहुत ज्यादा हो रहा था, प्रॉफिट मल्टीपल टाइम इंक्रीज होती चली जा रही थी। तो दूसरा रीजन ये था उनका यहाँ प्लांट लगाने का। क्लियर है? तीसरा रीजन भी हमने देखा था कि कंपनी अपनी जो कॉस्ट कट कर रही थी वो कहाँ से कर रही थी, सारे सेफ्टी मेजर्स को हटा के, जैसे फॉरेन में, ट्रेनिंग भी कम कर यस यस, जो फॉरेन में या डेवलप्ड नेशन में उनके प्लांट्स थे, वहां पे सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स थे, सारा काम कंप्यूटराइज था, हर चीज मशीनें कर रही थी वहां पे, कंप्यूटर देखता था कि कितना प्रेशर है गैस का, कितना टेम्परेचर है अंदर, कितना रिएक्टेंट पड़ा हुआ है, किस स्पीड चल रही है, कितनी घूम रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या था, इंडिया की फैक्ट्रीज में यहाँ पे सारा कार्य मैनुअल था, खुद वर्कर्स जाते थे, चेक करते थे कि कितनी गैस बनी, कितनी गैस निकली, कितनी गैस अभी निकल सकती है, पूरे के पूरे रिएक्टेंट को वो लोग बिना किसी एक ट्रेनिंग के, बिना किसी एक्सपीरियंस के हाथ से उठा रहे थे, हाथ से फेंक रहे थे। क्लियर है? ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यूनियन कार्बाइड इतनी बड़ी कंपनी, जिन्होंने एंडरसन जी ने अपनी कंपनी इंडिया में लगाई थी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे थे, अगर उनसे ये गलती नहीं हुई होती तो अपना प्लांट कभी यहाँ बंद नहीं करते। और उनको देख के और भी फॉरेन कंट्रीज की कंपनियां समाए आती, क्योंकि उनको यहाँ पे चीप और आप कह सकते हैं बहुत मेहनती वर्कर मिल रहे थे, बहुत से बहुत कम पैसे में। समझ में आए बच्चों? चलिए, तो उसी में हम लोग को आगे पढ़ना था कि वर्कर्स की वर्थ क्या होती है। इस घटना के बाद हमारी गवर्नमेंट की एकदम आंखें खुली कि आज ये इतनी बड़ी घटना हमारे आंखों के नीचे कैसे घट गई, 8,000 लोगों की डेथ हुई, कई सारे लोगों के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ा, कई सारे लोगों के फेफड़े खराब हो गए, कईयों की आंखों की रोशनी चली गई, कईयों के तो अभी तक के जो बच्चे हो रहे हैं वो भी अभी तक ठीक नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में ही उनकी अब नॉर्मल सो रहे हैं। तो इतनी बड़ी घटना घट गई, तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, कुछ चीजें हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स के फेवर में गई, कई सारी चीजें हुई, क्या इनके लिए भी कुछ रूल्स बनाने चाहिए हमें, जिससे इन लोग की कम से कम सेफ्टी तो मेजर की जा सके, कि काम तो तभी करेंगे ना जब सेफ रहेंगे, जब सेफ ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे कर देंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो
इसी में हम लोग आगे देखेंगे, इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। लॉज की जरूरत क्यों सर। पड़ी ये आपने देख लिया, समझ गए सारे बच्चे क्यों जरूरत पड़ी लॉज की? यस सर, यस सर। चलिए दिख रहा हूँ बच्चों मैं आपको, आवाज भी आ रही है मेरी? यस सर, यस। चलिए तो आप बताइए, जैसे कोई भी लॉ है किसी भी कंट्री में, जैसे आपका घर है, लेट सपोज आप अपने घर से एग्जांपल से समझिए, आपका घर है और अब आपके घर में एक नया लॉ बनाया जाएगा कि रात में 10 बजे के बाद घर की सारी लाइट ऑफ कर देंगे, रात में 10 बजे के बाद घर में कोई लाइट नहीं जलेगी, सारे लोग सोने जाएंगे अपने अपने रूम में, क्लियर है? यस सर। तो आपके आपके घर में रूल कौन बनाएगा, कौन बना सकता है जो आपके घर में मेन पावर में हो? फादर, मदर, फादर या मदर जो भी है, समझ में आया? वही नए रूल बनाएंगे। यस सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। अगर ये पूरी कंट्री हमारा घर, हम इसको समझे कि हमारी कंट्री घर जैसी है पूरी, और घर जैसी है ही वो, तो हमारी कंट्री में भी एक कुछ लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए रूल्स बनाने के लिए, क्लियर? सर पार्लियामेंट। हाँ, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे लोग हमारे लिए लॉज बनाते हैं, और उसको हम लोग एक गाना कौन बजा रहा है बच्चों? देवांश। म्यूट कर, म्यूट कर। देवांश, देवांश रुक जाइए। देवांश ऐसे कल भी नहीं मान रहा था, आज भी नहीं मान रहा है। यस सर, बहु परेशान। सर कोई सर दूसरे दूसरे नाम से आते हैं सर, सर आप सबकी वीडियो खुलवा दीजिए सर। हाँ वीडियो खोलो, वीडियो खुलवा दीजिए सर। यस सर, वीडियो खुलवा दीजिए सर। वीडियो खोलो सारे बच्चे, खुली है। हाँ ठीक है, चंद्रेश ने भी खोल ली, स्वाति पटेल इन्होंने भी खोल ली, गुड। और कौन है? भविष्य, खोलिए वीडियो, गुड। आराध्या भी आ गई, द्विवेदी, सारे बच्चे आ गए। ठीक है, सारे बच्चे अपना अपना कैमरा खोल रखेंगे, खोल रहे हैं, एक सेकंड। क्लियर है बच्चों? निष्ठा पांडे ने खोला सर, आज खान। निष्ठा पांडे ने आज खान। हाँ सारे बच्चों खुल गए आप? रेडमी नाइन प्राइम बेटा कैमरा खोलिए वरना आपको हटा देंगे इससे। यस सर। चलिए रेडमी नाइन प्राइम नहीं खोल रहे हैं तो उनको हटा देते हैं। निष्ठा का भी नहीं खुला सर, निष्ठा पांडे। तो अभी भी नहीं खुला पांडे और अर्श खान का भी सर, अर्श खान का नहीं। चलिए ठीक है, इनको हटा दिया हमने। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? तो जो सेफ्टी लॉस है बच्चे, तो हम लोग के लिए कौन वो बनाता है, कौन इनको अमेंड करता है? तो ये दोनों काम बच्चों करते हैं। हाँ ये दोनों काम करते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे लिए रूल बनाती भी है और ये इंश्योर करती है कि उनको उनके अमेंडमेंट भी ठीक तरीके से हो। क्लियर है बच्चों? यस सर, यस सर। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि हु इज द एनफोर्समेंट ऑफिसर और लॉ मेकर फॉर द पब्लिक सेफ्टी और सेफ्टी फॉर वर्कर्स, तो आप क्या बताएंगे कौन होता है वो? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, गुड गुड। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर, गुड, वेरी गुड। चलिए अब गवर्नमेंट हमारे लिए रूल क्यों बनाएगी, अगला सवाल तो ये आता है कि क्यों गवर्नमेंट हमारे लिए रूल बनाएगी? गवर्नमेंट सर लोगों की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। यस सर, सर सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। नाइन्थ केमिस्ट्री लैब बच्चों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं लॉ फॉर द लैंड, मतलब हमारे देश के लिए जितने भी लॉस बनते हैं
वो कहाँ से बनाए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पहले से सेट ऑफ रूल्स दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक व्यक्ति भी रहता है, पूरे सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट भी काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पुलिस भी काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोर्ट भी काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपके नेता भी काम करते हैं। सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे अपने सिटीजन्स को, जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनको कुछ राइट दिए हैं, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। क्लियर है? फंडामेंटल राइट। यस सर। यस सर। उसको फंडामेंटल राइट इसलिए बच्चों कहते हैं क्योंकि वो हर एक सिटीजन्स के पास है, सारे सिटीजन्स के पास है। क्या? फंडामेंटल बेसिक राइट। राइट। क्लियर? वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है फंडामेंटल राइट। क्लियर है? जब तक हमारे देश में कोई इमरजेंसी, ये कौन किसकी आवाज, आवाज बंद करिए सारे बच्चे। देव, नंदनी, शुभ, सारे लोग म्यूट करिए, जब बोला जाए तब खोलिएगा, आवाज बहुत आ रही है बच्चों। गुड। चलिए चलिए, तो क्या मैं आपको बता रहा था अभी? शुभ बताओ, क्या बता रहा था अभी? फंडामेंटल फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। ओके ओके। बच्चों, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमसे, वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है जब तक हमारे देश में इमरजेंसी की जैसी सिचुएशन ना बने। जैसे अगर कोई दूसरा कंट्री हमारे कंट्री के ऊपर अटैक कर दे, कौन है? सदेव। सदेव। सदेव कर रहा है। तो इसका नाम लिखो, देव और देवांश दोनों का नाम लिखिएगा एक कागज में। यस सर। लिख लिया। लिख गया। देव कहाँ गया? चला गया क्या? अपने आप छोड़ दिया क्या इसने मीटिंग? तो नेम चेंज कर दिया होगा। यस सर। नहीं, रीनेम तो बंद कर दिया मैंने, नेम नहीं चेंज कर सकता। आप अपना नेम चेंज करके देखिए कोई बच्चा। सर, लीव होके ये लोग फिर से दूसरे नाम से आते हैं। यस सर, दूसरे नाम से आ सकते हैं। यस सर। मीटिंग को लॉक सर, आप रिमूव कर देंगे तो सर दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाते ना, इसलिए चले जाते हैं। अब कर दिया, कोई ज्वाइन ही नहीं सर। ये मीरा फेक है सर, मीरा कोई नहीं है हमारी क्लास में। चलिए कोई बात नहीं सर, आप बता दिया करिए बच्चों कौन सा बच्चा ऐसा है। तो अभी मीरा नहीं का कौन से? और इशिका। इशिका रुकिए सर, इशिका है क्लास में। कुछ भी इशिका ऐसा है। चलिए चलिए ठीक है, इश्का है तो कोई बात नहीं, इश्का को नहीं निकाल रहे। चलिए ठीक है, वीवो 1811 कौन है? वीवो 1811 अपना नाम बताइए बेटा। हु इज वीवो 1811? सर जो रियल नेम था ना उसे हटा दी। अपना नाम लिख के बच्चों कल से आइएगा, वरना मैं किसी को एंट्री ही नहीं दूंगा। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट। कौन है वीवो 1811? आप जानते हैं इसको? नहीं जानते। नहीं जानते। चलिए ठीक है, इधर सारे बच्चे इधर ध्यान दें। ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट्स, जैसे हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने, चाइना ने अगर हमला कर दिया, क्लियर है, तो अफरा तफरी मच जाएगी उस समय, एक इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाएगी। नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं है, कोई देश किसी के ऊपर हमला कर दे, नॉर्मल सिचुएशन है। चाइना वाले मारने चले आ रहे हैं, हम लोग करें नॉर्मल है, हम लोग घर में बैठ के अपना खाना पीना खा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। क्लियर?
ऐसे जब इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है बच्चों, जब कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को बैन कर सकती है। जैसे हमारा एक राइट है फंडामेंटल राइट कि हम लोग कहीं भी फ्रीली पूरे इंडिया में घूम सकते हैं, क्लियर है? यस सर, यस सर। लेकिन अब जैसे इमरजेंसी है, किसी देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, अब आप बोले कि नहीं सर हमको घूमने जाना है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में उन्होंने हमला कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट आपको जाने देगी कि जाइए अच्छा घूम के आइए, दो चार गोली खा जाइए? नो सर, नो सर, नहीं जाने देगी, वही जाने देगी सर। तो यही राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है ना? नहीं, राइट टू फ्रीडम, हाँ राइट टू फ्रीडम के अंदर आएगा, आर्टिकल 19 के अंदर, क्लियर सर? हाँ, तो आपके फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट कुछ कंडीशन में बैन भी कर सकती है, क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर, यस सर। आपका एक और फंडामेंटल राइट होता है बच्चों, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्लियर? यस सर। उसमें आप लोग अपने मन की बात रख सकते हैं किसी के भी सामने, क्लियर है? अब उसी में कोई बच्चा उठे, अब इसी में कोई सोचे कि हम जाए किसी दूसरे, किसी कैसे रख सकते? कौन आवाज कर रहा? ज्ञानेन्द्र बेटा अपना सारे लोग माइक बंद करिए, जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए तब तक माइक बंद रखिए, माइक बंद रखे सारे बच्चे। चलिए, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे आपका एक और फंडामेंटल राइट होता है बच्चों, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आप अपने मन की बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये आपका राइट भी है, आपसे कोई छीन भी नहीं सकता, अरे कि तुम बोलोगे कैसे, तुम बोलोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, तो ये चीजें नहीं है, आप अपने मन की बात। क्या होता है सर, ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये भी बेटा आर्टिकल 19 में है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम में ही आता है, राइट टू एक्सप्रेशन का, क्लियर है? तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप किसी को ऊटपटांग बोले, किसी को गधा बोले, घोड़ा बोले, बिना मतलब जा रहे हैं रोड में गधा बोलते चले जा रहे हैं सबको, गधे हो तुम, गधे हो तुम, गधे हो तुम, तो आपको पकड़ा गया तो आप कहेंगे कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, हमारा मन, समझे? यस सर, यस सर। राइट होगा ना जब तक वो किसी और को नुकसान ना दे। हाँ, आपके सारे राइट्स जितने भी राइट हैं वो तभी तक आपके पास हैं जब तक वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं दे रहे हैं, परेशान ना करें, क्लियर? अब आपके पास राइट, अब आपके पास घूमने का राइट है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रात में उठे आंख मले और पहुंच गए किसी दूसरे घर, बगल वाले का खोलो, हमारा राइट टू घूमने का अधिकार, हम घूमेंगे तुम्हारे घर में रात भर, तो वो उठाएगा डंडा और आप लोग को घुमा देगा, मार मार के पीट पीट के रखेगा, क्लियर है? चलिए, तो ऐसे ही वर्सकल के लिए सेफ्टी बनाने का जिम्मा किसने लिया? गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट भी सेफ्टी के लूज बनाती है रूल और उनको इन्फोर्स भी कराती है, क्लियर? तो गवर्नमेंट इज नोन एज लॉ मेकर एज वेल एज लॉ इन्फोर्सर फॉर द पब्लिक सेफ्टी, क्लियर है? यस। चलिए, सबके पास बुक है बच्चों? सबके पास, यस सर, यस सर। उसमें देखिए पेज नंबर 127 पेज खोलिए सारे बच्चे, यस। देखिए एक ट्रैवल एजेंसी का, ट्रैवल एजेंसी का एक एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, नीचे दिख रहा है आपको एक ट्रैवल एजेंसी का एग्जांपल? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, रिसेंटली ए लार्ज ट्रैवल कंपनी। हाँ हाँ, सारे बच्चों को मिल गया ये? यस सर, यस सर, गुड। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिसेंटली अ लार्ज, सर कौन से पेज नंबर का है? 127 में नीचे लिखा हुआ है, रिसेंटली अ लार्ज ट्रैवल एजेंसी वाज आस्क्ड टू, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ रिसेंटली अ लार्ज ट्रैवल एजेंसी वाज आस्क्ड टू पे ₹8 लाख एज कंपनसेशन to a group of tourists. Their foreign trip was poorly managed and they missed
डिज्नीलैंड एंड शॉपिंग इन पेरिस। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि एक ट्रेवल एजेंसी थी जो सारे के सारे ट्रेवलर्स को ये एश्योर करती थी कि हम आपका ट्रिप बहुत अच्छा बनवाएंगे, बहुत बढ़िया बनवाएंगे, आपको यहाँ भी घुमाएंगे, यहाँ शॉपिंग करवाएंगे, यहाँ सारा चीजें कराएंगे, क्लियर। तो उसने ये रूल बना दिया कि हम आपको ले जाएंगे तो आपकी सारी जिम्मेदारी, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी, क्लियर। अब वो लोगों को लेके गए घुमाने, टूरिस्ट को घुमाया उन्होंने और वो वेल मैनेज्ड नहीं कर पाए। कई सारे टूरिस्ट बहुत सारे थे जिनको डिज्नीलैंड नहीं घुमा पाए, बहुत सारे टूरिस्ट थे जो शॉपिंग नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास अच्छा मैनेजमेंट नहीं था। तो उसके लिए उन लोगों ने उस पे फाइन ठोका कि 8 लाख का फाइन चाहिए हमें एज अ कंपनसेशन कि आपने हमारा इतना बड़ा नुकसान करा दिया। क्लियर है? यानी जैसे आपके कोई राइट वायोलेट होते हैं अगर आपके, तो आप इसके लिए कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? इसी में देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसी में देखिए नीचे लिखा हुआ, व्हाई डिड द विक्टिम्स ऑफ भोपाल क्रैश ट्रेजेडी देन गेट सो लिटिल फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ माइजरी पे। और आपने उसी भोपाल क्रैश ट्रेजेडी में देखा था कि उनको बहुत ही कम कंपनसेशन कुछ मिला था, कितना बिलियन पास किया गया था और कुछ मिलियन ही लास्ट में मिला था, है ना? और जो टूरिस्ट था वो घूम नहीं पाए इसलिए उन्होंने कंपनसेशन 8 लाख रुपए ले लिए, जबकि यहाँ पे लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी और उनको कंपनसेशन उसके मुकाबले कितना कम दिया गया। क्लियर बच्चों? चलिए तो कल फिर इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू लॉस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर आगे हम लोग कल यहाँ से डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ओके सर, ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।